दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह निर्विरोध इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगले चेयरमैन चुने गए हैं। साथ ही 35 साल के जय शाह वर्ल्ड क्रिकेट प्रशासन में टॉप पद पर काबिज होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक बन गए हैं। जय शाह इसी साल 1 दिसंबर को मौजूदा ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। न्यूजीलैंड के 62 वर्षीय बार्कले ने लगातार तीसरी बार दावेदारी नहीं करने का फैसला किया। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को BCCI सचिव का पद छोड़ना होगा, जिस पर वो 2019 से काबिज है। बता दें कि भारतीय बोर्ड की आम सभा की बैठक अगले महीने या अक्टूबर में होगी। इसी दौरान या उससे पहले जय शाह इस्तीफा दे सकते हैं। वो ICC चेयरमैन का पद तभी संभाल सकते हैं जब BCCI सचिव पद से इस्तीफा देंगे। शाह इस समय ICC की सबसे दमदार वित्तीय और व्यावसायिक मामलों की उप समिति के प्रमुख हैं। वह 2022 में इस उप समिति के अध्यक्ष बने थे। जय शाह से पहले दिवंगत जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर ICC में शीर्ष पर काबिज होने वाले भारतीय रहे हैं। दूसरी ओर जय शाह की जगह BCCI सचिव पद के लिए कई दावेदार हैं। मगर एक रिपोर्ट की माने तो दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के बेटे रोहन का नाम भी दमदारी से आगे चल रहा है। जय शाह ने कहा, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनने पर आभारी हूँ। मैं ICC की टीम और उसके सदस्यों के साथ मिलकर क्रिकेट के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। फिलहाल क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने क्रिकेट में नई टेक्नोलॉजी को लाने के बारे में भी बात की। जय शाह ने कहा, मैं क्रिकेट में नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को ग्लोबल मार्केट्स तक भी पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। जय शाह ने बताया कि वो क्रिकेट को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए काम करेंगे, जिसमें ओलंपिक काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा, क्रिकेट का ओलंपिक 2028 में शामिल होना बड़ी उपलब्धि है। इसे हम ओलंपिक के जरिए ग्लोबल पहचान दिलाएंगे और ज्यादा देशों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ICC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जय शाह को निर्विरोध ICC का नया चेयरमैन चुना गया है। जय शाह अक्टूबर 2019 से BCCI के सचिव और 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के चेयरमैन हैं। वो 1 दिसंबर से यह पद संभालेंगे। पूर्व चेयरमैन ग्रेग बार्कले के चुनाव से हटने के बाद वह इकलौते उम्मीदवार थे। वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे अमीर बोर्ड के सबसे दमदार व्यक्ति जय शाह का चयन तभी तय हो गया था जब उन्होंने उम्मीदवारी पेश की थी। भारतीय बोर्ड ICC के राजस्व में 75% से अधिक योगदान देता है। समझा जाता है कि सेना क्रिकेट बोर्ड साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से एक ने जय शाह के नाम का प्रस्ताव रखा और एक ने अनुमोदन किया। ICC के संविधान के तहत कुल 17 वोट पड़ते हैं, जिनमें से 12 पूर्णकालिक टेस्ट देशों चेयरमैन, उप चेयरमैन, 2 सहयोगी सदस्यों के प्रतिनिधि और 1 स्वतंत्र महिला निदेशक के वोट है। जय शाह के लिए ICC चेयरमैन बनने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें 2025 से 2028 तक अनिवार्य कूलिंग ऑफ विश्राम से गुजरना है। BCCI के संविधान के तहत पदाधिकारी लगातार 18 साल तक पद पर रह सकते हैं, जिनमें से 9 राष्ट्रीय बोर्ड और 9 प्रदेश इकाई के साथ होंगे, लेकिन लगातार कोई व्यक्ति 6 साल तक ही पद पर रह सकता है, जिसके बाद 3 साल विश्राम लेना पड़ता है। जय शाह लगातार 2 बार ICC चेयरमैन बन सकते हैं और इसके बाद BCCI में 2028 में आकर अध्यक्ष भी बन सकते हैं। पाकिस्तानी बोर्ड को हो सकती है परेशानी। जय शाह के सामने फौरी तौर पर ICC में चुनौती पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन है। वो एशियाई क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के तौर पर 2023 एशिया कप वनडे टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल के पुरजोर समर्थक थे, जो पाकिस्तान और श्रीलंका की सह मेजबानी में हुआ। यह देखना यह है कि ICC चेयरमैन के तौर पर वह इस स्थिति से कैसे निपटते हैं, क्योंकि भारत सरकार टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति शायद नहीं देगी। समझा जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है।
जिसमें पाकिस्तान अपने मैच देश में और भारत के खिलाफ दुबई में खेलेगा। इसके अलावा दीर्घकालिक चुनौती टेस्ट क्रिकेट के भविष्य की सुरक्षा, वनडे क्रिकेट को लोकप्रिय बनाए रखना और क्लब बनाम देश के विवाद के बीच प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर जाने से बचाना होगी। इसके साथ ही ओलंपिक में क्रिकेट का प्रचार भी अहम चुनौती रहेगी, क्योंकि लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट का पदार्पण होगा।